इस नारायण दल के तो दो आदमी चुनाव लड़े, एक कांग्रेस तो लड़ा है, एक बीजेपी तो लड़ा है। बीजेपी ने अपनी टिकट दी है एक धन्ना सेठ तक, जिसके सारी अणमन मनु बहम रहे है अगर भाई तू तो पीछे तारण जीत जाएगा। और कांग्रेस ने अपनी टिकट दी है तारे इस गरीब भाई तक, एक छोटे से किसान परिवार में भाई, एक गरीब किसान परिवार में टिकट देने का मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी गरीब के बारे में सोचती है, गरीब के भले के बारे में सोचती है, और बीजेपी पार्टी हमेशा धनाढ्य लोगों के बारे में सोचती है। सर मैं तो आपसे सिर्फ एक प्रार्थना करना चाहता हूं, समर्थन की अपील करने नहीं आया मैं, उन 750 किसानों के लिए भी अपील करने आया हूं जिन्हें इस बीजेपी ने शहादत की श्रेणी में चढ़ा दिया। साथी जो इस बीजेपी की वजह से उन्हें अपनी शहादत देनी पड़ी, आज मैं उन 750 किसानों के लिए भी आपके बीच आया हूं। साथी मैं आज आपके बीच में आया हूं उन हमारी बहनों के लिए जिन्होंने अपने बचपन से लेकर अपनी पूरी जवानी उस पहलवानी में बिता दी और अपने गांव और पूरे हरियाणा का नाम रोशन कर दिया, लेकिन जब पूरी दुनिया में वो पूरे देश का, पूरे हरियाणा का, अपने गांव का, अपने इलाके का परचम लहरा रही थी, जब वो अपना हक मांगने निकली तो उन्हें दिल्ली की सड़कों पे हमारी बहनों को कैसे पुलिस ने घसीटने का काम किया, मैं उन बहनों के लिए भी आपके बीच में आया हूँ। साथी मैं आपके बीच में आया हूँ उन गरीब मजदूरों के लिए जो ये बीजेपी वाले बुलेट ट्रेन चलाने की बात करते हैं, वायदे बड़े बड़े करते हैं, लेकिन जब कोरोना काल आया तो वो मजदूर 300-300 किलोमीटर अपनों की लाशों को अपने कंधों पे लेके गए। मैं उन मजदूरों के लिए भी आपके बीच में आया हूं। साथी आज पूरा देश हरियाणा की तरफ देख रहा है कि हरियाणा की जनता न्याय करेगी और बीजेपी को इस प्रदेश की सत्ता से बाहर करने का काम करेगी। साथियों 10 साल में कोई ऐसा घर नहीं, वर्ग तो छोड़ो, हर वर्ग तो डंडा के लपेटे है, लेकिन कोई परिवार ऐसा नहीं है 36 बिरादरी में जिसने बीजेपी के 10 साल का काल ना काटा है। हर परिवार दुखी है, कोई फैमिली आईडी की वजह से दुखी है, कोई बुढ़ापा पेंशन कटने से दुखी है, कोई राशन कार्ड कटने से दुखी है, हर तरीके से दुखी है। और सारी बातें आपको वक्ताओं ने बताई, मैं तो सिर्फ आपको दो बातें कहने आया हूं भाई। इस नारायण दल के तो दो आदमी चुनाव लड़े हैं, एक कांग्रेस तो लड़ा है, एक बीजेपी तो लड़ा है। बीजेपी ने अपनी टिकट दी है एक धन्ना सेठ तक, जिसके सारी अणमन मनु बहम रहे है अगर भाई तू तो पीछे तारण जीत जाएगा। और कांग्रेस ने अपनी टिकट दी है तारे इस गरीब भाई तक, एक छोटे से किसान परिवार में भाई, एक गरीब किसान परिवार में टिकट देने का मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी गरीब के बारे में सोचती है, गरीब के भले के बारे में सोचती है, और बीजेपी पार्टी हमेशा धनाढ्य लोगों के बारे में सोचती है। सर मैं तो आपसे सिर्फ एक प्रार्थना करना चाहता हूं, 5 तारीख को हरियाणा प्रदेश में चुनाव है और हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है। हरियाणा प्रदेश दिल्ली के 3 तरफ बसा हुआ है, जब तक हरियाणा में बीजेपी बाहर नहीं होगी, देश की सत्ता से भी बीजेपी बाहर नहीं होगी, इसलिए हरियाणा में बीजेपी को हराना बहुत जरूरी है। और 5 तारीख को आप सारे सब कुछ भूल के केवल उन 750 किसानों की शहादत याद करके, उन पहलवान बेटियों के दर्द को याद करके, केवल बीजेपी को हराने के लिए अपना एक एक वोट कांग्रेस पार्टी को हाथ के निशान पर डाल देना। साथियों जब तक भारतीय जनता पार्टी इस देश और प्रदेश की सत्ता से बाहर नहीं होगी, ना तो संविधान सुरक्षित है, ना देश सुरक्षित है, ना इस देश का, प्रदेश का एक भी नागरिक सुरक्षित है। साथियों आप जो बीजेपी के खिलाफ बोल देता उसे इड्डी छोड़ दें,
इसलिए साथियों सबसे जरूरी है इस बीजेपी का हारना, और बीजेपी को हरा कौन रहा है, केवल कांग्रेस पार्टी हरा रही है। बीजेपी का विकल्प केवल कांग्रेस पार्टी है साथियों। और मैं तो आप लोगों के जब बीच आता था, मेरे चाचे ताऊओं के बीच आता था, मेरे भाइयों के बीच आता था, आप हमेशा मेरे को एक बात कहते थे, अरे भिन्नक तो ऐसा काम हो गया था, राम राम करदा नहीं, ताऊ राम राम, दादा राम राम, नु कहते छोड़ राम राम ने टिकट लिया, ये अपना आप देख लेंगे सारा सोच लेंगे। तो वे चाचे ताऊओ दादो, तारी दुआओं से और तारा आशीर्वाद है या टिकट पार्टी हाईकमान ने मेरे तक दे दी, और आज यह टिकट मनाड़ लिया के बहनी है मेरी पुर किस पावन पवित्र चौपाल में तारी जोड़ी में गाल दी भाई। ये फैसला तो हमने करना है और तो हमने बेरा है। एक पास तो भाई धन बल वाला नेता खड़ा है जो हर षड्यंत्र रचने में माहिर है, और भाई एक पास तारा यू गरीब बेटा खड़ा है। और मुझे पूरा विश्वास है बहनी हमीरपुर की इस क्रांतिकारी भूमि के ऊपर, जो पूरा हरियाणा नारनुंद की ओर देख रहा है, कि नारनुंद के लोग इस बार उन किसानों के साथ, उन पहलवानों के साथ, उन मजदूरों के साथ न्याय करेंगे, और नारनुंद में 52 साल के बाद 52,000 से ज्यादा वोटों से कांग्रेस पार्टी जीतेगी और इतिहास बनेगा। मैं तो इतनी बात आपके बीच में कहने आया था, यह टिकट और यो चुनाव आज मैंने बहनी हमीरपुर की 36 बिरादरी की जोड़ी में गाल दिया भाई। आपका चुनाव है, बड़ी मजबूती से इस चुनाव को लड़ने का काम करना। मैं एक वायदा करके जा रहा हूँ और ईमानदारी से कह रहा हूँ, दोनों बखत मिले हैं इस पावन पवित्र चौपाल में कह रहा हूँ, अगर मैंने 7 जन्म मिल जाए और मैंने 7 जन्म लगातार निरे पूर्ण करने का काम मिल जाए, तो भी मैं इस बहनी का कर्जा नहीं उतार सकता। इतना प्यार और इतना आशीर्वाद जो आप मुझे देते हैं, हाँ मैं एक काम जरूर करूंगा जितना मेरे से होगा। जब 8 तारीख को आप लोगों के आशीर्वाद, आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के वोट की ताकत से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, और आप अपने इस बेटे को जिस दिन विधानसभा भेजोगे, मेरा वायदा है हर हफ्ते में 10 दिन का भीतर बहनी हमीरपुर में आए कहीं से चौपाल में बैठ के अपने गांव की समस्याओं के बारे में चर्चा किया करांगे, उनका समाधान करा करांगे। और 5 तारीख ने इस बार मशीन की टीटी ना बंद होने दियो, शाम 7 बजे तक मेरे हाथ का निशान के बटन दबाई जाइए। पांच तारीख ना हाथ का निशान का बटन दबा दियो, 8 तारीख ना तारा राज बन जाएगा, और आज यू तारा बेटा तार तो वायदा करके जावे है, 8 तारीख ना राज बना दियो, किसी के धक्के खाने की जरूरत नहीं, किसी बेचोला टोने की जरूरत नहीं, अपने बेटे की बांह पकड़ लियो, बहनी का कोई आदमी 36 बिरादरी का आगे, तारा मान सम्मान भी करना मेरा काम, तारे काम करना भी मेरा काम, और पहचान में नसब की हो रही है भाई। यह बात कहना आया था भाई, एक बात और कहूंगा अपने नौजवान भाइयों को भाई, मेरे नौजवान भाइयों, बेर जो दो एक रह रहे बस, मेरे नौजवान भाइयों, जोश बहुत जरूरी है, जोश बिना कोई मैदान नहीं जीता जा सकता, कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती, जोश तो ढीला पड़ना ही नहीं चाहिए, लेकिन जोश के साथ सबसे जरूरी है होश और अनुशासन। अनुशासन के बगैर भी कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती। हमने इन बुजुर्गों को आशीर्वाद के साथ साथ इनके मार्गदर्शन में चल के पूरे जोश और पूरे होश के साथ आने वाली 5 तारीख तक इस चुनाव को मजबूती देने का काम करना, और इस चुनाव को संभालने का काम भी करना है साथियों, क्योंकि कई लोग आप लोगों के पीछे हाथ धोके पड़ रहे हैं भाई, और मैं तो इन धन्ना सेठा का निशाना पाए रहा हूं। लेकिन फिर भी चलो, भगवान उनका भला करे, सद्बुद्धि दे उन्हें। मैं तो सिर्फ इतनी बात कहूं भाई, एक साइड तो धन बल वाले लोग हैं जो हर षड्यंत्र मेरे साथ करने का काम कर रहे हैं, मेरे चुनाव को जात पात तक का रंग देने का काम कर रहे हैं, लेकिन मैं तो शुक्र
जोड़ी में डाल के जाऊं भाई, तारा ये चुनाव है, तमने लड़ना है। और 5 तारीख ना वोट भी तमने डालने हैं, 8 तारीख ने गिनती में सरकार भी तारी आनी है, और 5 साल बल्ले बल्ले भी तारी रहनी है। बहुत बहुत काम है, मशीन पार्ट जाएगी।